आगामी बजट सत्र में सरकार को सदन में घेरने को लेकर भाजपा ने रणनीति बनाना शुरू कर दी। बजट सत्र के 10 दिन पहले ही विधानसभा की नापक्ष लॉबी में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में बैठक की गई। बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए पहली बार चुने गए विधायकों को सदन की कार्यवाही समझाने के लिए विशेषज्ञों के दल ने प्रशिक्षित किया और साथ ही विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं और सरकार की कमियों को सदन में उठाने के खास निर्देश दिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार रिप्लेसिंग बिल लेकर आ रही है, जिसके लिए विधायकों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए और बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद नजर आई। राजस्थान की वर्तमान सरकार 6 महीने के इस कालखंड में हर मोर्चे पर विफल रही है। आम आवाम सरकार के कर्तृत्व से त्रस्त है। राजस्थान की जनता की आवाज़ हमारे विधायक बने, कोई ऐसा अनछहू पहलू निकल नहीं जाए, कोई बात बच नहीं जाए जो जनता जिसका दंश झेल रही है। इस नाते इस बार लीग से हटकर 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, क्योंकि इस बार पहले रिप्लेसिंग बिल लेकर सरकार आ रही है, जिनका ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया, इसलिए रिप्लेसिंग बिल पर हमारे माननीय सदस्य तैयार रहे। इस नाते भी समय पर हमने विशेषज्ञों के साथ उनकी चर्चा करवाई है। विधानसभा विधान बनाने की सभा है, पिछले कुछ वर्षों से बजट सभा बन गई। विधान बनाने में विधायक की अहम भूमिका और उस भूमिका का निर्वहन वो किस प्रकार कर सकता है, विधेयक के प्रारंभ इंट्रोड्यूस करने से लेकर थर्ड स्टेज तक कौन कौन से चरणों में पारण होता है, इसके बारे में विशेषज्ञों के एक दल ने हमारे विधायक दल को आज प्रशिक्षित किया है। और दूसरी ओर हमने सभी विधायकों से कहा है कि वो अपने सारे तार्किक सवाल लगा दें। रोज़ प्रतिदिन हम एक मुद्दे को लेकर जो ज्वलंत मुद्दा होगा, जिससे राजस्थान की जनता त्रस्त रही होगी, सरकार को घेरेंगे, तर्कों के आधार पर सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार विधानसभा के अंदर ज्वलंत समस्याओं के समाधान के बारे में अपनी राय प्रकट करें।